नमस्कार दोस्तों मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जी के की तरफ से कर्ण जी के सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं कर्ण जी के इस सीरीज में आज हम एक पुरस्कार पर चर्चा करने जा रहे हैं और ये जो पुरस्कार है इस पे किस तरीके से हम इसको विस्तारित करके पढ़ सकते हैं और कैसे हमें क्वेश्चन निकालने हैं और कहाँ तक एग्जामिनर की समझ जाती है उसी को हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप को डाउनलोड करने से संबंधित एक लिंक दिया गया है इसे आप जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें क्योंकि वहीं पर आपकी टेस्ट सीरीज़ आपको उपलब्ध करवाई जाएगी ये प्रोसेसिंग में है और बहुत ही अच्छे तरीके से और आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग उस टेस्ट सीरीज़ को डेवलप किया जा रहा है और जल्दी आपके सामने वो उपलब्ध होगी तो आप उस लिंक के माध्यम से ऐप को डाउनलोड कर लें इसके अलावा टेलीग्राम का एक लिंक दिया गया है जिसमें करंट जी से संबंधित जो भी पी फॉर्म होती है या जो भी इमेज होती है वो वहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है इससे संबंधित इंस्टीट्यूट से संबंधित जो भी सूचना है चाहे वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में अपलोड करने से संबंधित है या ऑनलाइन होने से संबंधित है या किसी भी तरीके की कोई भी सूचना है वो वहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाती है तो इन सब सूचनाओं के बाद में अब मैं अपना पुरस्कार स्टार्ट करता हूं और इस पुरस्कार में क्वेश्चन कैसे बनते हैं बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं देखते हैं क्या हमारे सामने तथ्य सामने आते हैं हेडिंग डाल दीजिए गुई लेरमो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार गुइलेर्मो कानो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार इसकी हम बात करेंगे देखिए सबसे पहले जो हमारे सामने बात आती है वो ये है ये जो गुई लेरमो कानो है ये क्या है सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे और इसी आधार पर फिर हम इस पुरस्कार को आगे विस्तारित करेंगे अल स्पेक्टाडर समाचार पत्र के संपादक है ये ऑडिटर है ये है तो क्या ये थे अल स्पेक्टाडर समाचार पत्र के ऑडिटर है ये सात दिसंबर 1986 को इनकी हत्या हो गई थी इन्हीं की स्मृति में यूनेस्को ने 1997 में इस पुरस्कार का प्रारंभ किया तो अब साम, आपके सामने एक बात आ गई आपसे यह कह दे कि कुरमो कानो कौन है तो यह एक संपादक है अल स्पेक्टेडर समाचार पत्र है उसके संपादक है इनकी हत्या हो गई थी इस कारण से यूनेस्को ने इस पुरस्कार को इनकी स्मृति में प्रारंभ किया तो यह पुरस्कार देता कौन है यूनेस्को अब हमें यूनेस्को के बारे में जानकारी होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल मतलब शैक्षणिक साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अब देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो संस्था है ये क्या काम करेगी यूनाइटेड नेशन बहुत सारे देशों का समूह है जो एजुकेशनल शैक्षणिक साइंटिफिक वैज्ञानिक और कल्चरल सांस्कृतिक तो सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देता है वैज्ञानिक महत्व को बढ़ावा देता है और इसके अलावा शैक्षणिक महत्व को बढ़ावा देने वाला यह संगठन है किस लेवल पर वर्ल्ड लेवल पर तो यह सारी बातें होगी यूनेस्को वो होता क्या है अब आपके जो क्वेश्चन है एक तो स्थापना पे आते हैं यह जो स्टेब्लिश हुआ था 16 नवंबर 1945 और इसका जो हेड ऑफिस है यह है पेरिस में फ्रांस ये इसका हेड ऑफिस है फ्रांस में इसका हेड ऑफिस है यह क्वेश्चन आया था आपका राजस्थान एस SI आई में कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है डायरेक्ट क्वेश्चन था यह क्लियर और यहां आप यह भी ध्यान रखें जनरली हम क्या कहता है हम ये कहते हैं कि किसी भी विश्व स्तरीय संस्था का जो हेड ऑफिस है मैक्सिमम जिनेवा में होता है लेकिन जो जिनेवा में नहीं होगा ऑटोमेटिक वो इंपॉर्टेंट होगा इसका प्रूव हमारे सामने है और इसके जो हेड है हालांकि ये कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है यह है आंद्रे एजोले कोई खास बात नहीं है ये इनके हेड है तो ये इस पुरस्कार के बैकग्राउंड के बारे में बात हो गई अब हम बात करते हैं यह जो पुरस्कार है हमें यह तो पता लग गया अभी देता कौन है अब हम बात करते हैं ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पत्रकारिता वैसे भी नाम से भी देख लीजिए और इसमें जो राशि दी जाती है 25,000 हजार डॉलर यह राशि दी जाती है इसके अंदर अब यह बात आती है कब दिया जाता है ये दिया जाता है तीन मई को दिया जाता है अब यह डेट भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो गई भाई तीन मई को दिया जाता है तो ऐसा क्या खास बात है तीन मई को तीन मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस अब आप पुराने पेपर उठा के देखिए उसमें आपको यह दिवस मिलेगा पूछा हुआ कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तीन मई को मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है अब आपको यह पता भी लग गया होगा क्लियर आइए अब देखिए अब हम वर्तमान स्थिति की बात करेंगे लेटेस्ट दो हजार का पुरस्कार किसे मिला है 2020 का जो पुरस्कार मिला है यह मिला है जिनेथ बिदोया लीमा और ये जो है ये कोलंबिया की पत्रकार है ये कोलंबिया कंट्री है उसकी पत्रकार है और महिलाओं में यौन शोषण से संबंधित जो रिपोर्टिंग होती है उसको पेश करने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है एक लाइन लिख दीजिए इन्हें यह सम्मान महिलाओं में यौन शोषण से संबंधित रिपोर्टिंग के लिए दिया गया है क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए अब मैं बात करने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको आप ध्यान रखें जरूर आएगा एग्जाम में ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है आइए ईरान की नई मुद्रा न्यू करेंसी ऑफ ईरान आपको अंदाजा अपने आप हो गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ये है तोमान तोमान इस नई मुद्रा को अपनाया गया है तो मानने अमेरिका ईरान के बीच में जो संकट चला था जो स्थितियां चली थी शीत युद्ध के रूप में जो चली थी उसके कारण ईरान में इन्फ्लेशन बहुत हुआ मुद्रा मुद्रास्फीति बढ़ी तो उससे बचने के लिए इसने अपनी मुद्रा बदल दी है हालांकि इससे पहले जो रियाल थी उसको सेंट ये सरकार ने ये कहा है कि दो वर्ष के बाद इसे पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दीजिए पूर्ण रूप से हालांकि तोमान आ चुकी है तो एक लाइन लिख दीजिए इससे पहले रियाल थी रियाल थी इसको दो वर्ष बाद पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा एक तोमान बराबर दस हजार रियाल ये मूल्य रखा गया है इसके अकॉर्डिंग मानी गई है ये समझे बात को हद, दस हजार रियाल मिलकर एक तोमान बनाएंगे हालांकि रियाल को दो वर्ष के बाद में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ऐसा निर्देश सरकार ने ईरान के केंद्रीय बैंक को दिया है क्लियर तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए तो दोस्तों आज हमने एक पुरस्कार को जाना और पुरस्कार के तहत यूनेस्को जैसी संस्था को हमने रिवाइज़ किया मैं यहाँ रिवाइज़ शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि कई बार यूनेस्को के बारे में बता चुका हूँ ये जो यूनेस्को है ऐसी कोई भी ये संस्थाएं हैं ये आपके स्टेटिक जीके में आती है जिसको हम थोड़े टाइम में स्टार्ट करने वाले हैं और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा इसके लिए आप ऐप भी डाउनलोड करें और अन्य अपने आप के जो दोस्त हैं उनको भी इसके बारे में जरूर बताएं इसके अलावा जो मैंने आपको ईरान की मुद्रा बताई है यहाँ मैं उन बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी जो कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने आपको ईरान के बारे में बताया था और वहाँ पर मैंने आपको ईरान की मुद्रा रियाल लिखाया हुआ है तो आप वहाँ जाकर ये सारी विस्तृत जानकारी लिख दें कि नई मुद्रा तोमान होगी और एक तोमान बराबर दस हज़ार रियाल और दो वर्ष के बाद में रियाल को पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा ऐसा सरकार ने उन यहाँ के सेंट्रल बैंक को कहा है तो इतनी सी बात वहाँ आप लिख दीजिए सारे नोट्स सा आपके अपडेटेड हो जाएंगे कोई समस्या नहीं आएगी इसके बाद में और उसी को ही बार 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 रिपीट करते जाइए बस इतना ही करना है और इसके अलावा इस निर्देशों के बाद में आपके कोई अन्य सिलेबस में कोई सब्जेक्ट बनता है कोई मैथ है रीजनिंग है इंग्लिश है हिंदी है अब आप उसको करते जाइए बस इतना सा काम तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी जीके में जो भटकाव को लेकर दिग्भ्रमित होते हैं उससे वो निपट सकें क्योंकि ये स्थितियाँ मैं काफ़ी देख रहा हूँ और इसमें आपके एक छोटे से प्रयास से हो सकता है उन्हें एक नया मुकाम प्राप्त हो जाए और जिससे उनकी तैयारी को एक नया रूप मिले और सही दिशा में तैयारी हो ताकि अपॉइंटमेंट लेटर से उनकी ज़्यादा नज़दीकी बनती जाए तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार